पढ़ा था कि एनर्जी क्या होता है, नहीं? और एनर्जी में हमने ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें वर्क करने की कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो या कैपेबिलिटी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे, ठीक है? जैसे दो तीन एग्जांपल भी लिखवाया, जैसे क्या लिखाया, द हैमर रेस्ट व्हेन इट इज, क्या कह रहे थे, नेम विच इज प्लेस्ड ऑन द वुड या पीस ऑफ वुड, देन इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड, यानी जब हथौड़ा उठा करके रखे हैं, हथौड़ा ऊपर उठाया गया हथौड़ा, द रेस्ट हैमर हैज द पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज व्हेन इट फॉल्स ऑन द नेल, देन व्हाट हैपेंस, द नेल ड्राइव्स इनटू द वुड, सो इट हैज द पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली दूसरा क्या लिखाया था, एक और लिखाया था, हाँ, अगर कोई रेस्ट ऑब्जेक्ट है और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे की ओर गिराएंगे, तो उसके पास भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी का टाइप तो बात नहीं, लेकिन ये मतलब एनर्जी होगी। इसलिए हमने एनर्जी का क्या डेफिनेशन दिखाया, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, द कैपेबिलिटी और द एबिलिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज, एक और बातें तुम लोगों को पढ़ाई जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें ये बताया जाएगा एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बात की कब, उसके बाद जो एनर्जी होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी चीज ये दिखाया, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज द एनर्जी, बट द ऑब्जेक्ट विच द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन गेन्स द एनर्जी, यानी अगर ऑब्जेक्ट पर वर्क होगा तो क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा, और ऑब्जेक्ट के द्वारा होगा यानी बाय द ऑब्जेक्ट होगा तो एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है, ये दो बात होता है। फिर हमने कहा कि एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका भी यूनिट जूल ही होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, और भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने लिखा दिया। उसके बाद हमने बात किया कि इसके एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी के क्या हैं, डिफरेंट फॉर्म्स है, उसके अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं तो ये कौन सा एनर्जी है, दिस टाइप ऑफ एनर्जी, स्पीकिंग, साउंड एनर्जी, तो ये साउंड एनर्जी है। तो ये साउंड एनर्जी को एक फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे जो माइक होता है, माइक, तो माइक में हम लोग बोलते हैं ना, तो माइक में बोलते हैं, तो माइक का काम क्या होता है कि जो हमारी साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद एम्पलीफायर के पास जाता है। तो जो भी हम लोगों का साउंड का स्ट्रेंथ होता है, इंटेंसिटी होती है, उसको एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई मीन्स होता है टू इंक्रीज या टू इनहेंस, यानी बढ़ा देना। एम्पलीफाई मीन्स टू इनहेंस और टू इंक्रीज, बढ़ा देना, उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है, और उसको बढ़ाने के बाद फिर वहाँ से आउटपुट निकलता है रेक्टर एम्पलीफायर से, और तब वो वायर के थ्रू कहाँ जाता है, स्पीकर के पास जाता है ना। और स्पीकर क्या करता है, जो भी उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, एनर्जी है, उसको क्या करता है, फिर से साउंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने तरह का कन्वर्जन हुआ, सबसे पहला तो माइक के पास हुआ, माइक ने क्या किया, माइक ने तुम्हारा, तो ये जो है
कितने तरह का कन्वर्जन हुआ, साउंड इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, यहाँ एक कन्वर्जन हुआ। कन्वर्जन का मतलब हमने बताया ना, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो एक कन्वर्जन यहाँ हुआ। फिर दूसरा कहाँ पर हुआ, जो स्पीकर में, हाँ स्पीकर जो था, स्पीकर से फिर से साउंड में कन्वर्ट हुआ। कहने का मतलब स्पीकर में था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, साउंड में फिर से कन्वर्ट किया। तो हम लोग के मोबाइल में भी ये दोनों तरह की डिवाइसेस होती है। अगर हमारा माइक खराब हो जाएगा तो हमारी आवाज़ अगले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, और अगर स्पीकर खराब हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या होता है, जो भी उधर से कुछ सुनेगा, हाँ मतलब उधर से जो बोलेगा तो सुन भी नहीं पाएगा। दोनों जरूरी, माइक भी और भी। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने वाले डिवाइस को बोला जाता है ट्रांसड्यूसर। क्या बोला जाता है, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, जैसे बाइक चलाते हो तो स्पीडोमीटर होता है, या फिर एक होता है तुम्हारा जो डिस्टेंस को मापता है ओडोमीटर। हाँ, तो स्पीडोमीटर क्या करता है, जो व्हील होता है जितना ही फास्ट से तुम चलाओगे, तो एक केबल लगा होता है पहिए के पास, वो केबल में क्या होता है कुछ घूमने वाला होता है, वो बहुत तेज राउंड मारता है, तो उसी को कन्वर्ट कर, यानी जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है, व्हील अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो व्हील अगर मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको काइनेटिक को चेंज करता है तुम्हारा किसमें, वो जो तुम्हारा वायर के थ्रू जाता है, तो डिजिटल मीटर भी आजकल है, एनालॉग भी है, तो वो तुम्हारा स्पीडोमीटर में दिखाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी कन्वर्जन होते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म। तो ये पढ़ना है पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसमें नहीं है, नहीं इधर कुछ क्लास में नहीं पढ़ना। तो अब नेक्स्ट आता है कि जो अभी हम लोग फॉर्म्स पढ़े, एनर्जी के फॉर्म्स, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, नहीं उसके फॉर्म्स पढ़े, लेकिन उस फॉर्म्स के साथ साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो ये टाइप्स ऑफ एनर्जी कितने टाइप्स के हैं, ये जो पोटेंशियल और काइनेटिक देख रहे हो, एक्चुअल में ये मैकेनिकल एनर्जी, क्या है ये, और मैकेनिकल एनर्जी के टू टाइप्स हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कोई भी वर्क जो है अगर हम लोग उसके मोशन के थ्रू हो, या पोजीशन के थ्रू हो, या उसके ओरिएंटेशन के थ्रू हो, उसके पास जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो उस मैकेनिकल एनर्जी के टू टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम लोगों के बुक में वही चीज पढ़ना है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर होती है, ग्राउंड पर होती है, कहाँ होती है, ग्राउंड पे, ग्राउंड पर होती है, तो उसकी एनर्जी जीरो मानी जाती है। कितना माना जाता है, जीरो। ऑन द ग्राउंड सरफेस द एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन जीरो, दैट इज अर्थ इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो अर्थ को कैसे लिया जाता है, रेफरेंस पॉइंट की तरह लिया जाता है, यानी जीरो पॉइंट वहां से स्टार्ट होता है, और जीरो से जैसे जैसे, यानी हम लोग ग्राउंड से अर्थ सरफेस से किसी सर्टेन हाइट पे जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। तो ये क्या हमने लिखाया, द एनर्जी पॉजिस्ड बाई द पोजिशन और ओरिएंटेशन बाई एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि कोई भी यहाँ पे थोड़ा सा आपसे यहाँ पे देखो ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन, द एनर्जी पॉजिस्ड बाई द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और ओरिएंटेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डिफिनेशन थोड़ा इसको करेक्ट कर लो, द एनर्जी पॉजिस्ड बाई द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और ओरिएंटेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मीनिंग हमने ये बताया, पोजीशन का मतलब अभी ऐसे बताया कि ग्राउंड पर एनर्जी जीरो लिया जाता है, लेकिन ग्राउंड से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी जितने भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है। ठीक है, सुनाई दे रहा है, हाँ। तो
अभी जैसे मान लेते हैं इसका एग्जांपल, द बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल हैज द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्राउंड से उसका कुछ ना कुछ टेबल का हाइट होगा, इसलिए उसके पास कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा लिखा है द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ द बो हैज द पोटेंशियल एनर्जी, जो धनुष होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, तो उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं ना, स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है, उसमें एनर्जी जो स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लिखा है वाइंडिंग ऑफ द ऑफ की ऑफ टॉय कार हैज द पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो टॉय कार होता है, खिलौने वाला कार जो होता है, उसमें वाइंडिंग करते हैं ना, वाइंडिंग, तो वाइंडिंग करने से क्या होता है, वाइंडिंग ऑफ की यानी कि चाबी भरते हैं, वाइंडिंग ऑफ की मतलब चाबी भरना, तो वहाँ पे जो उसके पास एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल, क्योंकि चाबी भरने के बाद उसको फर्श पे रख दोगे तो वो कार जो है मूव करने लगती है, इसका मतलब मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी है उसमें, और काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, तो जो हमने उसमें वाइंडिंग ऑफ की था यानी चाबी भरा था, तो वही जो हमारा वाइंडिंग ऑफ की जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया था, और वही धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। अब बात आती है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, यानी ये पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि उसको कैसे ले जाए, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ से ले करके छत पर पहुँचा दिए फर्स्ट फ्लोर पर, अब फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने के लिए हम स्टेयर से भी जा सकते हैं, सीढ़ी से भी लेके जा सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से किसी चीज़ में बांध के ऊपर से खींच भी सकते हैं, ठीक है, या फिर हीट करें कुछ ऐसा चीज़ से मारें कि वो ऊपर चला जाए, या किसी डिफरेंट पाथ से ले जाएं, तो अलग अलग पाथ से भले ही ले जाएं, लेकिन वो एनर्जी केवल इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसका इनिशियल पोजिशन कहाँ था और फाइनल कहाँ था, मतलब फाइनल है फर्स्ट फ्लोर पे, इनिशियल ग्राउंड पे था, तो ग्राउंड से लेकर के और जो फ्लोर बता रहा फर्स्ट फ्लोर के छत पे वहाँ तक का हाइट अगर h मान लें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh, क्या फॉर्मूला होगा, और जहाँ पे m क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड यानी अर्थ से, एंड g क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, और इसका भी यूनिट वही जो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। उसके बाद बात आता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, काइनेटिक एनर्जी,